कौन दिखती पहला पेपर जिसके लिए हम अभी जा रहे हैं, मिलते हैं पेपर के बाद। नहीं लगा खाऊन का दे आयला तुम वो लिखते कि तू वो बड़ी करती वो चार लाइन वाली चम्मच ने वो क्या बोलते मुना कुछ आठ मैंने तो आठ सप्लीमेंट लगा। आश्चर्यजनक बात ये लगी अमित और मनीष मस्ती करते हुए गाइस गाइस ये देखो गाइस क्या चल रहा है। हेलो आई एम अंडर द वाटर हियर टू मच रेनिंग प्लीज हेल्प मी। राम राम भाई सारे ने 90% लोग वीडियो देखते यार आप लोग लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे जिस चैनल का नाम है दी MH27 ब्लॉगर। सो आज एकदम बीच में ऐसा रास्ते में वीडियो शूट करने का सीन ये है कि हमको एक कॉल आया था आज कॉलेज में कुछ तो एकदम क्लासी होने वाला है। तो पहले तो ये सीन तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तो ये बता देता हूं क्योंकि आज से हमारे चालू होने वाले सेशनल्स। तो ये देखो ये मैं कॉलेज की यूनिफॉर्म में ही हूं। तो सेशनल्स मतलब यूनिट टेस्ट। सो चलो अभी पहले कॉलेज चलते हैं, पेपर देते हैं और 9 से 10 पेपर है, बस 1 घंटे का है और फिर जो होने वाला है वो आपको वहाँ पे जाके बताऊंगा क्या होने वाला है। सो लेट्स गो। कौन दिखती कौन दिखती हाँ कौन दिखती मेरी काकी मेरी काकी आज हमारा एग्जाम। तो हाँ ये बताओ पहले एग्जाम किस बात का है? सॉरी क्या सेशनल है? हाँ कौन से सब्जेक्ट का है आज पेपर? इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। हाय फ्रेंड्स आज है हमारा सेशनल का पेपर, पहला पेपर जिसके लिए हम अभी जा रहे हैं, मिलते हैं पेपर के बाद। नहीं लागत खाऊन काय दे रायला तुम गायमुरमुरा खा लो कसा गेला पेपर कसा गेला ते सांग। पेपर काय असा आला नसा गेला आर धनवो तुमको तो सबसे पहले सप्लीमेंट लगी राइटिंग ही अशी पडली वो लिखते कि तुम वो बड़ी करसी वो चार लाइन वाली एक सवाल दो जवाब चम्मच ने वो क्या बोलते मुना कुछ आठ मैंने तो 8 सप्लीमेंट लगाए हर एक पेज पे एक वर्ड लिखा सी मेरे को सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात ये लगी मैंने सप्लीमेंट ली वो नहीं थी व्हेन मनीष वेंट टू टेक द सप्लीमेंट वो जो होता है वो वॉक जो होता है फुल टंग टडा डंग टडा डंग फुल संजू बाबा स्टाइल का। और फिर पूरा क्लास ने फिर लिखना बंद कर दिया था और हम सब देख रहे थे मनीष को और वो था हमारा लिखने वाला टाइम मनीष को सप्लीमेंट लग गई और यहाँ पे अमित और मनीष मस्ती करते हुए गाइस इसका दिखा इसका चेहरा दिखा नहीं जैसे कि किया तो उसके मतलब गाइस ये देखो कॉलेज में क्या चालू गाना सुनना चालू है कॉपीराइट। सो हाँ गाइस आपको फाइनली बताना तो रह गया, आपको मैं अभी घर पे दिख रहा होगा कॉलेज से क्योंकि देखो 9 से 10 पेपर था, 10 के बाद हम फ्री थे। तो कॉलेज में डीजे है, अब डीजे किस बात से है तो हमारे कॉलेज में जो आपको दिखाया था गणपति बापा विराजमान हुए थे वो सिर्फ 7 दिन के रहते थे। सो आज है उनका विसर्जन तो मस्त डीजे वीजे फुल टाइट एकदम माहौल रहेगा। तो इसके वजह से अब 10 बजे से 4 बजे तक का मेरे को हॉल्ट था तो मैं घर पे आ गया था। तो अभी यार अरे यार अभी निकलने के टाइम पे देखो गाइस बारिश आ रही दिख रही है, बारिश बादल भी आ गए। अब देखते हैं अगर बारिश बंद हुई तो निकल जाएंगे, नहीं तो फिर बैठना पड़ेगा घर पे। अगर बारिश बंद हुई तो मैं आपको दिखूंगा, ये ब्लॉग भी आएगा, अगर नहीं हुई बंद तो फिर ये ब्लॉग भी नहीं और डीजे भी नहीं और विसर्जन भी नहीं।
और कुछ भी नहीं। चलो वेट करते। सो गाइस अभी देखो अभी ये ब्लॉग आएगा क्योंकि अभी बारिश थोड़ी कम हो गई, मतलब बन के लायक ही हो गई। सो चलो अभी कॉलेज में चलते हैं, पीयूष भाई को उनके घर से उठाते हैं लास्ट टाइम की तरह, और चलो चलते हैं कॉलेज में। लेट्स गो। हेलो, आई एम अंडर द वाटर, हियर टू मच रेनिंग, प्लीज हेल्प मी। सो गाइज अभी पीयूष भाई के घर पे पहुंच गए। सो अभी देखो रास्ते में इतना खतरनाक पानी लग गया है मेरे को कि मेरे को रेनकोट पहनना पड़ा। सो अभी चलते हैं कॉलेज में और दिखाते हैं वहाँ पे अमित भाई अगर आ गए, अमित भाई भी चलो कॉलेज में चलते। सुतेली बॉम्ब, सद्दा कुंता, अब्बा। राम राम भाई सारे ने, आज है हमारा गणपति का विसर्जन, इसीलिए हमने नेदरलैंड से स्पेशली अचानक भयानक डीजे का बुलाया था। अभी आपको आगे वाले व्लॉग में दिखेंगे ही डीजे कौन सा था, कैसा था और कैसा बज रहा था। Hey, I'm in the middle of the night.
गणपती बाप्पा बोल गजानन महाराज की जय। गजानन महाराज की जय। मस्त ग्लो आ रहा नाश्ते के बाद गाइस, इसका हाफसी में पैर नहीं, क्या बनती पैर चिकल में भर गया था और हाथ चीन गया हाफसी। सो गाइस, देख लिया आप लोगों ने कितना मजा आया, सब लोग बहुत हार्ड नाचे, बाद में जूनियर सीनियर मिलके नाचे। ये हो गया, आपको जैसे बोला था कि डीजे वीजे रहेगा तो वो सब कुछ हो गया। अभी टाइम आ गया इस व्लॉग को एंड करने का, तो एंड करने से पहले मैं ये एक बात बोलूंगा, पहले सब लोग आप जाके सब्सक्राइब बटन दबा के हो जाओ जल्दी, नहीं तो मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा। जाओ जल्दी, आप दबा दिया, दबाया, हाँ वेरी गुड। तो क्योंकि क्या है, 90% लोग वीडियो देखते यार आप लोग, लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते और बेल आइकन भी दबाओ उसके पीछे पीछे। तो अभी टाइम आ गया उस व्लॉग को एंड करने का। आई होप ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।